हाथ में रिवाज है, उस रिवाज को बनाए रखो। अब पढ़ी लिखी तुम आओ, बेचारे मम्मी पापा ना पढ़े लिखे तो का तुम नियम बदल दो? ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखा है हमने कि विदाई हुई घर तक खूब रोई, खूब रोई, बहुत रोई। कहाँ पे? घर पे। जैसे ही गाड़ी गांव से बाहर है भाई, बिल्कुल चुप 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 चुप। फिर नया बाज आने वाली, फिर पूछेंगे कहूँ बाजार पड़े है रास्ता में, एक ठंडा ले लेते, समोसा ले लेते। तो वे बोले चुप्पा बैठा, जाएं चच्चा बैठे, चच्चा आगे। वे धीरे से बोले चच्चा को जाएं मिठाई पाओ तो बाद में सामान भरो, बाद में मिठाई देते चच्चा। वे बोले चुप्पा ना बैठो, जब बड़े भैया वो बैठे काई को समोसा और ठंडा खाओगे, घर पे चलो घर पे लाएंगे। बोले भैया को जाएं बिठा लो, चच्चा को जाएं बिठा लो। फिर भूल जाते रोना धोना। और भैया जब नियम किसके होते, पढ़ी लिखी बिटिया और बेचारी जो ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी हैं, जो अधिकतर अपने मम्मी पापा से इतना प्यार करती हैं, जब वो मम्मी पापा से दूर होती हैं तो कष्ट होता है, दुख होता है उन्हें। वो सोचती है न जाने अब हम मम्मी पापा के पास इस तरह कैसे रह पाएंगे और कब रह पाएंगे। ये समय अब लौट करके नहीं आने वाला है, और जो समय गुजर जाता है वो वास्तव में कभी लौट करके नहीं आता है। माता पिता के पास रह करके हमें हर सुख मिलता है, सभी खुशियां मिलती हैं, लेकिन जाना तो है ही पराए घर। बेटियों को जिंदगी भर यही ताने ही दिए जाते हैं। मायके में रहे माता पिता के पास जब तक शादी ना हो तब तक समाज के लोग कहते हैं बेटियां पराए घर की हैं, शादी हो जाए तब भी उन्हें एक ताने और मिलते रहते हैं कि ये तो पराए घर से आई है। जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। और इनका हृदय कितना कोमल होता है, खुद भूख लगी हो तो भोजन बना के खुद नहीं खाएंगे, खुद भूख लगी हो तो सोचेंगे अब शाम को बनाएंगे तभी खा ले। और अगर घर में बच्चे रो जाएं कि हमें भूख लगी तो उतनी टाइम खाना बनाएंगे, चाहे घर में कोई भी भूखा हो, सास ससुर, उतनी टाइम खाना बनाएंगे। और अगर उन्हें खुद भूख लगी हो तो सोचेंगे अब शाम को ही खा लिया। इतना आलस कर जाती है खुद के लिए और किसी के लिए नहीं। बेटियां दो दिन में जाकर के घर को अपना परिवार समझने लगती हैं, ससुराल को अपना घर समझने लगती हैं, लेकिन दामाद जो होते हैं, दामाद दामाद को चाहे 10 साल हो जाए शादी भाई, लेकिन दामाद ससुराल को कभी घर नहीं मान सकते हैं। हाँ, याद रखना, बेटी अगर कहे कि आज हमारे भाइयों पे कोई मुसीबत है, कोई संकट है तो थोड़ी मदद कर दो। अच्छा, भाई को समझ रहे हैं तुम, इतना हमें नहीं मानती हो, भाइयों को ज्यादा मानती हो। ये कौन कहते हैं? ये भाई कहते हैं जो अपने ससुराल को घर नहीं मानते, भाई दामाद। शाम को अंधेरे में आए, एक मिठाई को डिब्बा ले आए, सवेरे ही निकल गए दामाद जी। और ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं जय किशन। वाती नगरिया से आई हुए हैं और ये 51 रुपए नीरज भैया जी जोशी ग्राम नगला लाले से हैं। कामना करेंगे ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे। इधर बच्चों रुक्मिणी की माँ रुक्मिणी को समझा रही है, बेटी ससुराल तो हर किसी को जाना होता है, और
चाहे कितना भी धनवान हो, उसने भी अपनी बेटी की शादी की। बेटी तुम्हें भी जाना होगा, ये तो परंपराएं चलती चली आ रही है।